नमस्कार, आप देख रहे हैं वीक न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। मध्य प्रदेश में नई सरकार के शपथ लेते ही कामकाज के तरीकों में भी बदलाव शुरू हो गया है। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में सीएम कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले छिंदवाड़ा पहुंचे और छिंदवाड़ा पहुंचकर जनता के बीच उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक ऐलान किया जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में जमकर हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान करते हुए कहा कि अब प्रदेश में कोई भी घोषणा मुख्यमंत्री नहीं करेंगे बल्कि उस विभाग से जुड़ा अधिकारी करेगा जिसके अंतर्गत ये काम होना है और उसकी जिम्मेदारी कार्य पूरा करने की होगी। हमारा वचन था कि मध्य प्रदेश में नई शुरुआत करेंगे, बहुत हो गई घोषणा, इसलिए मैंने तय किया मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा। ये मध्य प्रदेश की जनता को घोषणाओं से थक गई है, बहुत थक गई है मध्य प्रदेश की जनता इस घोषणाओं से, तो मैं ये थकावट भी दूर करना चाहता हूँ। कोई घोषणा मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, उस विभाग के अधिकारी करेंगे जिनको उस योजना का निर्माण करना है। यही नहीं बल्कि इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जिला कलेक्टर ने मंच से विकास परियोजनाओं की घोषणा भी की और साथ ही छिंदवाड़ा के कलेक्टर ने घोषणा करते वक्त बताया कि जिले में कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा और 1 मार्च 2019 से छिंदवाड़ा शहर के लिए प्रतिदिन पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इसी के साथ छिंदवाड़ा में 8 किलोमीटर की लंबाई की सड़क को चौड़ा किया जाएगा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भवन का निर्माण किया जाएगा। यानी कि अब सीएम कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में अधिकारी ही कार्यों की घोषणाएं करेंगे और अगर काम समय पर पूरा ना हुआ तो उसकी जवाबदेही भी अधिकारियों की होगी। और अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी काम को लेकर मंत्री घोषणा तो कर देते हैं मगर वो काम समय पर पूरा नहीं होता है क्योंकि अधिकारियों की उसमें कतई भी जिम्मेदारी नजर नहीं आती है, जिससे वो काम बीच में ही लटका रह जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है नर्मदा की यात्रा के दौरान शिवराज सिंह चौहान के वो कई वादे और घोषणाएं जो महज एक कल्पना में ही तब्दील होकर रह गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ पहली बार अपने गृह जिले छिंदवाड़ा पहुंचे थे और पहुंचकर उन्होंने रोड शो करके जनता का अभिवादन भी किया। मैं यहाँ उम्मीदवार बन के आया था, मैं सांसद बन के आया, मैं मंत्री केंद्र मंत्री बन के आया और आज मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के आया हूँ। मैं छिंदवाड़ा के हर मतदाता का, पूरी जनता का प्रतिनिधि। इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वे चुनाव के दौरान छिंदवाड़ा आए थे लेकिन उन्होंने किसानों और नौजवानों की बात नहीं की, सिर्फ कमलनाथ की आलोचना की। मैं तो मोदी जी से कहता हूँ आप आए, भाषण दिया और चले, आपको तो छिंदवाड़ा में थोड़ा घूमना था, कुछ ज्ञान लेके जाना था यहाँ से, कुछ ज्ञान लेके जाते। और आप कमलनाथ की आलोचना, नौजवानों की बात नहीं करी ना, किसानों की बात नहीं करी, किसकी बात करी? कमलनाथ की बात करी। सीएम कमलनाथ के योजनाओं की घोषणा करने वाले फैसले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम तरह की देश और दुनिया की खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।